Hi everyone, let's come to question number 39, which says Mr. Shivam, a resident of Chandigarh, provides the following information for the financial year 18-19. Income from textile business 4,60,000, PGBP income hai. Income from speculation business, again PGBP 25,000. Loss from gambling. देखिए, winning from gambling होता है तो casual income होती है IFOS. अगर आपको किसी भी casual nature से loss हो जाए तो this is a dead loss. आप इसको कहीं पर भी नहीं लिखेंगे. IFOS में भी please negative मत show कीजिएगा. It is a dead loss. Loss on maintenance of race horses. इनका race horses establishment का business है और वहाँ से इनका loss आया है. This is a loss जो कि set off हो सकता है इसी तरह के business से, race horses के business से, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई race horse का profit नहीं है. तो this will be carried forward for next 4 assessment years. वो बातें आपको note में show करनी पड़ेगी. आगे लिखा हुआ है, eligible current year depreciation of textile business not adjusted in the income given above rupees 5000. यानी कि ऊपर जो textile business की income दी हुई थी 4,60,000, उसमें 5000 का depreciation नहीं दिया गया है. तो सबसे पहले तो आप current year का depreciation minus करते हैं. तो 5000 उसमें से minus कर दीजिएगा. Your textile business income will become 455. उसके बाद unabsorbed depreciation of assessment year 18-19 brought forward 10,000 rupees. Unabsorbed depreciation है, आपको पता है ये infinite period तक carry forward होता है और किसी भी head से set off हो सकता है other than salary. तो हम इसको इस साल set off कर देंगे. अभी देखते हैं किस में से set off कर पाएंगे. आगे लिखा हुआ है, speculation business loss of assessment year 18-19 30,000 rupees का. Last year का एक speculation loss भी था. Speculation loss 4 साल तक carry forward होते हैं. तो इस साल ये carry forward होकर आया है. ये किससे सेट ऑफ हो सकता है? दूसरे स्पेकुलेटिव इनकम से हो सकता है. तो इस साल स्पेकुलेटिव इनकम 25,000 की थी, आप इस लॉस को वहां से सेट ऑफ कर दीजिएगा. बट मैक्सिमम 25,000 ही यहां पर है जिससे सेट ऑफ हो पाएगा. 5,000 का अगले 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. यू हैव टू कंप्यूट जीटीआई ऑफ मिस्टर शिवम. तो आप इसकी प्रेजेंटेशन कैसे सॉल्व करेंगे? मैं हमेशा सेट ऑफ के क्वेश्चंस के लिए बोलता हूं कि आप हमेशा क्वेश्चन शुरू करने से पहले रफ में, रफ का मतलब होता है अपनी आंसर शीट जब आपको मिलेगी उसके बैक वाले पेज पर, बिल्कुल लास्ट पेज पर, आप इसको छोटा सा रफली देख लीजिएगा प्रेजेंट करके कि आप कौन से लॉस को किससे सेट ऑफ करने वाले हैं. क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसकी प्रेजेंटेशन में, सेट ऑफ की प्रेजेंटेशन में. तो आप वहाँ पर अगर रफली देखेंगे तो आप बिजनेस इनकम जो आपकी टेक्सटाइल बिजनेस से आ रही है उसमें से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं, प्लस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो पिछले साल से आ रहा था 10,000 रुपीज़, आप वो भी माइनस कर सकते हैं. उसके बाद स्पेकुलेटिव बिजनेस 25,000 की इनकम है और पुराना स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर आया, उसको सेट ऑफ कर दीजिएगा. 5,000 का बच गया, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. गैम्बलिंग तो आप लेंगे ही नहीं बिकॉज दैट इज़ अ डेड लॉस. और रेस हॉर्स एस्टेब्लिशमेंट से जो लॉस है वो भी किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाता है, वो रेस हॉर्सेस से ही हो पाता है और अगले 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. तो आप इस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं. जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा. और हाँ, प्लीज़ ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इसको लिखकर सॉल्व करना पड़ेगा. अगर आप इसको लिखकर सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आपकी तैयारी 50-60% ही होगी, 100% तक आप नहीं पहुँच पाएंगे. इनको ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप इनको जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए जिस तरीके से आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो पाएगी. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.